एमसी दोस्तों, आई एम सी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, इस मुद्दे पे मुझे काफ़ी मैसेज आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया। तो इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ कि जब हम फ्री ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये शब्द बोलते हैं कि आई एम सी में जुड़िए फ्री, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और उसके बाद जो लोग जुड़ जाते हैं और फिर उनके बाद जब वो 4 से 6 महीने इसमें बिता लेते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे जो नीचे है लेग के नीचे ज्वाइनिंग नहीं लग रही है और मेरा इनकम नहीं आ रहा है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कारण क्या हैं और जो ये सब क्वेश्चन आते हैं तो उनको रिसॉल्व कैसे करें, तो इस टॉपिक पर आज हम वीडियो आपको देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर अभी तक आपने आईएमसी हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब हम फ्री शब्द का यूज़ करके लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब वो फ्री नाम से कोई भी चीज़ होता है तो उससे सीरियस नहीं होते, जुड़ अवश्य जाते हैं क्योंकि आप बहुत समय से उनके पीछे लगे होते हैं। तो ज्वाइन इसलिए हो जाते हैं कि वो फ्री है, उनका कोई पैसा लगा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। उल्टा जब आप उन पर 4-6 महीने खर्च करते हैं और जब उनसे आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे उल्टा ही क्वेश्चन करते हैं कि जो मेरी डाउन है, लेग खुली हुई है, वो बढ़ क्यों नहीं रही है और मेरा चेक क्यों नहीं आ रहा है, मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये सब परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं तो इस पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात कि जब कोई व्यक्ति जिसको फ्री में कुछ मिले तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, ख़ास तौर पे जब उसका कोई गोल ना हो और वो समय पास करने के लिए और आपसे बचने के लिए वो ज्वाइनिंग ले ले। तो सबसे पहले ये दिक्कत होती है फ्री ज्वाइनिंग में कि उसे पता है कि मेरा कोई पैसा तो जा नहीं रहा है और इससे मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो वो इस चीज़ पर ज्वाइन हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब हम लोग लीडर जब उस पर समय देते हैं, 4 से 6 महीना लगाते हैं, शुरू के 3 महीने हम लोग उतना फोर्स नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद सिस्टम समझ जाए, जब हम उनको मीटिंग्स में बुलाते हैं तो उस पर कोई वो सीरियस नहीं होता, मीटिंग अटेंड नहीं करता, प्लान जब हम उनको बताने के लिए बुलाते हैं वो बिल्कुल नहीं आते, जो भी हमारे आर एस प्रोग्राम होते हैं उन पर इन्वाइट करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं आते, और प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए ट्रेनिंग के लिए जब हम उनको इनवाइट करते हैं हर वीकली तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका कोई गोल होता नहीं है, वो ज्वाइन हो चुके हैं और उनको लगता है कि ज्वाइन होने से ही हम खूब ढेर सारा पैसा कमा लेंगे क्योंकि इस पर मेरा कोई भी पैसा तो लगा नहीं है, अगर इनकम नहीं भी आती है तो कौन सा पैसा लगा है। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, हमारा जो समय है, लीडर्स के जो समय होते हैं वो काफ़ी समय व्यर्थ जाता है, और जब वो उल्टा हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारी इनकम क्यों नहीं आ रही है तो और भी बुरा लगता है। तो दोस्तों तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो अगर ये क्वेश्चन करना क्या चाहिए और ये क्वेश्चंस ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन कोई करे जिनको इंटरेस्ट नहीं था आई एम सी में, आपने ज्वाइन करवा लिया है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, जब वो पूछते हैं कि मेरे डाउन लाइन में लोग की ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही है और मेरा इनकम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप उनको मिलने के लिए समय दें या उनसे मिलने जाएं, फ़ोन पर बात नहीं करें क्योंकि फ़ोन एक अच्छा माध्यम नहीं है इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जाने से पहले उनकी बात पूरी तरह से सुन लें, जब वो बोले तो उनसे जो भी
दिक्कत आ रही हो या कुछ भी उनका प्रॉब्लम हो, उनको अच्छी तरह सुन लें, फिर उसके बाद उसको टैकल करने का प्रयास करें। तो उसके बाद जब उनकी समस्या सुन लें, फिर उसके बाद आप उनसे क्वेश्चन करें कि आप IMC से क्यों जुड़े हैं, और आप तो उनसे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, IMC शॉप क्या आपके घर से या ऑफिस से दूर है। तो ये सब क्वेश्चन आप उनसे पूछें और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उनको बैठा के IMC का जो प्लान है उसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझाएं, जो बेसिक्स प्लान है। तो यहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि अगर आप IMC के प्रोडक्ट स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इनकम नहीं आएगी और आपका चेक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक प्लान है, कम से कम 500 BV के प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने ही हैं, तभी आपका चेक क्लियर होता है। तो अगर आप खुद इन 4 से 6 महीने में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर कोई भी नई ज्वाइनिंग आप लगाना भी चाहते हैं, तो वो आपसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पूछेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो आप कैसे बता सकते हैं। अगर आप किसी को IMC के प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको खुद इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जो कंपनी है IMC, ये प्रोडक्ट बेस कंपनी है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और आयुर्वेद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जिन्होंने फ्री ज्वाइनिंग की थी, तो वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो ये सब चीज़ें उनको बताएं, तभी आपकी जो इनकम है मिलेगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके नीचे डाउन में लोग लग भी जाते हैं, तो आपका और उनका जो लेवल है अगर बराबर हो जाता है, तो उसका डिफरेंस 0 रहेगा। अगर आपका लेवल अप रहेगा, तभी उसका डिफरेंस का चेक और साइज बड़ा होगा। तो खुद उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। प्लान को फिर से उनको बैठा के समझाइए, उनको पूछिए कि IMC से आप कितना कमाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, 1 साल में आप IMC से कितनी इनकम चाहते हैं, और आपका IMC से जुड़ने का मकसद क्या था। तो ये सब क्वेश्चंस और जितने भी सवाल हैं, सॉल्व करिए, उनसे पूछिए, फिर उसको सॉल्व करिए, तो ये आपको फ़ायदा देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब क्वेश्चन आए ही ना, उससे पहले हम ज्वाइनिंग जब लगा रहे हों तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जब हम ज्वाइनिंग लगा रहे हों, तो जब फ्री ज्वाइनिंग शब्द बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ज्वाइन तो हो जाते हैं लोग, लेकिन उस बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते, IMC बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो जो भारत सरकार के नियमों के तहत चलती है, तो वो फ्री ज्वाइनिंग ही करवाती है, लेकिन फ्री ज्वाइनिंग के नाम पर वो सीरियस नहीं लेते। तो जिन लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उनके गोल पहले जानिए, वो 1 साल के अंदर क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या वो बाइक हासिल करना चाहते हैं, वो कार हासिल करना चाहती है, अपना खुद का मकान, तो वो लोग ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपके बिजनेस में, आपके लेवल को बढ़ाने में, और काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगर वो ज्वाइन होके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके बिजनेस को बहुत ही आगे लेके जाएंगे। तो जितनी भी नई ज्वाइनिंग आप लगा रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखें, उनके पास कोई ड्रीम हो, अपना सपना हो, और इस सिस्टम से कमाने की चाहत हो। और जितने भी नए लोग हैं, उनको ट्रेनिंग जो है उनको अटेंड करवाइए, उनका उत्साह और जो उनकी इनकम उन्हीं से उनका मल्टीपल होगा, क्योंकि जितनी वो ट्रेनिंग लेंगे, होम मीटिंग्स होंगी, तभी वो कामयाब हो। नई ज्वाइनिंग जो भी हो, उनसे एक क्वेश्चन और आपको करना है कि क्या वो इस सिस्टम को हर रोज़ 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। 24 घंटे में 1 से 2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों ने फ्री शब्द सुनकर ज्वाइनिंग किया है, उनसे भी ये क्वेश्चन ज़रूर करें कि आपको अगर अपने लेवल को बढ़ाना है, इनकम चाहिए, तो आपको कम से कम
1 से 2 घंटा आपको देना होगा, तभी आपकी जो ज्वाइनिंग है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी और इनकम आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस होगा सिस्टम के बारे में और प्रोडक्ट की नॉलेज की ट्रेनिंग आपको 1 से 2 घंटे के लिए देना ही पड़ेगा और लोगों से मिलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें हमने बात किया है कि जो लोग फ्री शब्द सुन के ज्वाइनिंग हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उन लोगों के जो सवाल होते हैं उसको सॉल्व कैसे करें, और जो नई ज्वाइनिंग है उन ज्वाइन को लगाने के लिए कौन से चीज़ों को हम लोग फॉलो करें कि वो दिक्कत आए ही ना, जिससे हमारा समय बेकार नहीं जाए ज्वाइनिंग लगाने के बाद नए एसोसिएट की। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे और नए वीडियो के लिए वेट करिए। गुड आइम सी।